स्मृति सिन्हा बनी रावड़ी देवी। जी हाँ, एक फिल्म में स्मृति सिन्हा निभा रही हैं रावड़ी देवी का किरदार। तो आपको बता दें, वो फिल्म है लालटेन और इस फिल्म की शूटिंग इन दिनों बड़े जोर जोर से हो रही है। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि लालू प्रसाद यादव का किरदार कौन निभा रहा है। तो भाई, लालू प्रसाद यादव का किरदार कोई और नहीं, यश कुमार निभा रहे हैं। जी हाँ, यश मिश्रा इस फिल्म में लालू प्रसाद यादव का किरदार निभा रहे हैं। और आपको बता दें कि इस फिल्म के लिए इन दोनों एक्टरों ने काफ़ी मेहनत की है, और इनके लुक्स को अगर आप देखेंगे तो आपको देख के खुद ही लगेगा कि फिल्म में काफ़ी कुछ नया होने वाला है और काफ़ी कुछ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। फिल्म के लुक से लेकर इनके हाव भाव तक को आप अगर देखेंगे तो फिर इनके हाव भाव को भी पूरी तरह से इनके कैरेक्टर के अनुरूप, यानी कि जो कैरेक्टर ये निभा रहे हैं उसके अनुरूप ही लिया गया है। आपको बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री में स्मृति सिन्हा की वापसी का उनके फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भाग खेसारी भाग के बाद लालटेन इनकी मूवी होगी जो प्रदर्शित होगी, और वो यश मिश्रा के साथ होगी। फिर एक और फिल्म होगी जो आएगी, वो भी यश मिश्रा के साथ ही होगी। लालटेन के लिए खुद स्मृति सिन्हा कहती हैं कि उन्होंने कई ऐसे भाषण रावड़ी देवी के सुने जिससे वो उनके हाव भाव को अपना सके, और उन्होंने अपने आसपास के कई ऐसे गाँव की महिलाओं को भी ऑब्जर्व किया जिससे वो अपने किरदार के प्रति न्याय कर सके। वैसे ये तो सभी जानते हैं, स्मृति सिन्हा एक बेहतरीन अदाकारा है, और भोजपुरी इंडस्ट्री में ये बात सभी जानते हैं कि स्मृति सिन्हा जब किसी कैरेक्टर में होती हैं तो उसे जीवंत बना देती हैं। और स्मृति सिन्हा के इस फिल्म का इंतजार तो भाई अब हम आप सभी को रहेगा। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।